स्वच्छता का संदेश देने वाली पार्टी बीजेपी की हमीरपुर कार्यालय के आसपास झाड़ियों का साम्राज्य है तो कार्यालय के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसे देखकर पार्टी के सिद्धांतों पर अमल करने वाली बातों पर प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। हमीरपुर बस अड्डे के पास बनाए गए पार्टी कार्यालय वीर कमल के बाहर गंदगी पसरी हुई है और झाड़ियों का साम्राज्य है, लेकिन जब इस बारे में बीजेपी मंडला अध्यक्ष बलदेव धीमान से बात की गई तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि पार्टी कार्यालय के साथ लगती जमीन किसी और की है। बीजेपी मंडला अध्यक्ष बलदेव धीमान ने कहा कि पार्टी कार्यालय के साथ लगती जमीन किसी और की है और इस कारण सफाई वहाँ पर नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कार्यालय के अंदर सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाती है। जमीन बाहर लोगों की है, जहाँ तो जहाँ बाहर लोगों की जमीन है नेचुरली वहाँ बस स्टैंड की तरफ से जो है वो बिल्डिंग सीधी हो जाती है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पार्टी और पार्टी कार्यालय के अंदर जो है वो ब्रांडिंग व्यवस्था ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। पहले पानी की कमी जरूर थी, वो भी अब सुधार हो गई है। तो बाकी जो बाहर की गंदगी है वो बाहर लोगों की जमीन की गंदगी है, पार्टी और उसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है और प्रदेश में इस तरह की हालत है और अपने आप जो आदमी अपने घर को ही मतलब साफ सुथरा नहीं रख सकते हैं, वो बाहर के लिए क्या गंदगी देखी है? मतलब आप देख ही सकते हैं खुद ही की मतलब पार्टी ऑफिस की क्या हालत है और ऊपर पानी की सुविधा नहीं है किसी चीज की, नहीं कोई आदमी आया यहाँ पे मीटिंग रखी हुई थी आज भी पंडित दीनदयाल जी की इसमें जन्मदिन पे, तो मतलब सफाई का कोई ये नहीं है, सिस्टम नहीं है, पानी की सुविधा ऊपर नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है, पार्टी के कार्यकर्ता रहे उनको परेशानी हो रही है, किसी ने टॉयलेट जाना कहाँ जाना, सुधार किया जाए। मैंने मंडल अध्यक्ष जी से भी बात करी थी इस बारे में, तो मतलब उन्होंने भी बात को गोल मोल करने की कोशिश करी, तो मुझे बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी करूँगा बस।